नमस्ते दोस्तों, आज हम एक मजेदार बात करेंगे। सुनकर आप सोच में पड़ जाएंगे। हनुमान जी की शादी, क्या आपने सोचा है कि बजरंगबली की बीवी कौन थी? तो चलिए इस पहेली को सुलझाते हैं। पहली बात तो ये है कि हनुमान जी को ब्रह्मचारी माना जाता है। वो भगवान शिव के अवतार हैं और उनकी ताकत और भक्ति देखकर लोग उन्हें अकेले रहने वाले देवता मानते हैं। लेकिन कुछ कहानियों में हनुमान जी की पत्नी का भी जिक्र है। कैसे? हमारे पुराने ग्रंथों में एक कथा है जिसमें हनुमान जी की बीवी का नाम सुवर्चला बताया गया है। ये कहानी पराशर संहिता में है। इस कथा के मुताबिक हनुमान जी को उनकी तपस्या की वजह से एक खास वरदान मिला था। उन्हें सन गॉड से ज्ञान लेना था, लेकिन सन गॉड ने शर्त रखी कि वो सिर्फ शादीशुदा को ही पढ़ाएंगे। हनुमान जी ने यह शर्त मान ली और सन गॉड की बेटी सुवर्चला से शादी कर ली। सीधी शादी अदी की कद एक तरह की लीला थी। पढ़ाई पूरी करके हनुमान जी फिर से अपने ब्रह्मचर्य व्रत पर लौट आए। तो यह शादी सिर्फ ज्ञान पाने के लिए थी। इससे हनुमान जी की भक्ति में कोई फर्क नहीं पड़ा। दोस्तों, इस कहानी से हमें पता चलता है कि हनुमान जी की भक्ति कितनी गहरी है। उनकी कहानियां हमें हमेशा हिम्मत देती हैं। आशा है आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। अगर हां, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय हनुमान।